ताज नगरी आगरा में 12 नए मामले सामने आए, मरीजों का आंकड़ा 104 पहुंचा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मस्जिद का मुआयना करने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव। भारत में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 8000 के पार हुई, अमेरिका, चाइना और फ्रांस से भी ज्यादा भारत में है मृत्यु दर। 30 अप्रैल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, पीएम मोदी ने संभावनाओं से नहीं किया इनकार। जमात के चंद लोगों की वजह से पूरे समुदाय को बदनाम नहीं किया जा सकता, समाजवादी पार्टी ने कहा। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस से निपटने के लिए दिए सुझाव। पिछले साल अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आईएएस के पद से इस्तीफा देने वाले करण गोपी नाथ को फिर से नौकरी ज्वाइन करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकराया। रतन टाटा के नाम से लिखा गया लेख वेरी मोटिवेशनल एट दिस आवर को रतन टाटा ने बताया फेक, बोले ये बात मैंने ना कहीं लिखी ना ही बोली। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद समेत आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 3.5 अंकित की गई। पुलिसकर्मी का हाथ काटने की घटना से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नाराज, दिया बड़ा बयान। यूपी में फेस कवर किए बिना घर से बाहर निकले तो होगी कानूनी कार्रवाई, योगी सरकार ने दिया आदेश। और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, सतर्क भारत, सतर्क हर वक्त।